तो दोस्तों साउथ फिल्म विक्रम वेदा का ऑफिशियल हिंदी रीमेक 30 सितंबर 2022 को तमाम सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सैफ अली खान और ऋतिक रोशन इस मूवी में धुआंधार एक्शन सीन्स करते नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब ऋतिक रोशन को डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि वो कभी डांस या फिर एक्शन सीन्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने 22 साल के शानदार करियर में एक्टर ने डॉक्टर्स की उन बातों को गलत साबित किया और एक से एक धमाकेदार स्टंट्स और एक्शन कर दर्शकों को इम्प्रेस किया। और आज ऋतिक रोशन को बॉलीवुड इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट एक्शन स्टार कहा जाता है। वैसे ऋतिक को डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा था, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन ने साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है के जरिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसमें उनका गाना एक पल का जीना काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, आज भी उसे बॉलीवुड के पॉपुलर डांस नंबर्स में गिना जाता है। लेकिन इसी मूवी के पहले ही डॉक्टर ने ऋतिक रोशन को कहा था कि वो कभी एक्शन फिल्म्स या डांस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों ऋतिक रोशन ने धूम 2, क्रेज सीरीज, बैंग बैंग और वॉर जैसी तमाम एक्शन फिल्में की और अपने दमदार एक्शन सीन्स के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। अब वो विक्रम वेधा में भी एक्शन सीन्स परफॉर्म करते दिखाई देंगे। वही दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुद ऋतिक रोशन ने इन सभी बातों का खुलासा किया है। दरअसल अपनी अपकमिंग मूवी विक्रम वेधा के अल्कोहलिया गाने के लॉन्च इवेंट में एक्टर ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी हेल्थ पर बहुत मेहनत की जिससे वो अपने करियर में एक्शन और डांस दोनों कर पाए। उन्होंने डॉक्टर की उस चेतावनी का भी जिक्र किया। उन्होंने बयान देते हुए बताया, कहो ना प्यार है के पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरी हेल्थ कंडीशन एक्शन और डांस करने के लिए कतई ठीक नहीं है, लेकिन वो दोनों ही कर पाना मेरे लिए काफी हैरान करने जैसा है। 25 फिल्मों में डांस करना, एक्शन करना और उन डायलॉग को बोलना मेरे लिए गर्व की बात है। वही दोस्तों ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा उनके लिए एक माइलस्टोन फिल्म भी है क्योंकि ऋतिक रोशन के फिल्मी करियर की 25वीं फिल्म है। तो दोस्तों देखा आपने कि ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना कर फैंस के दिलों में अपने लिए एक अलग जगह बना ली है और आज ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का वन ऑफ द बेस्ट एक्शन स्टार कहा जाता है। साथ ही लोग उनके जबरदस्त डांस मूव्स के भी दीवाने हैं। वही दोस्तों विक्रम वेधा में ऋतिक और सैफ के अपोजिट राधिका आप्टे और रोहित सराफ नजर आएंगे। इसे पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया है। विक्रम वेधा साल 2018 में आई तमिल मूवी का हिंदी रीमेक है जिसमें विजय सेतुपति और आर माधवन नजर आए थे। वही दोस्तों दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड हो चुके हैं। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की इस भिड़ंत को देखने के लिए फैंस बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस आप बताइए कि आप ऋतिक रोशन के इस खुलासे को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।